गाइस आज के वीडियो में मैं आपसे दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट बोया पास यानी सीजन 2 का बोया पास और इसके साथ साथ मैं आप लोग को दिखा दूंगा सीजन 3 यानी मार्च मंथ का बोया पास। क्या बात है सर। और गाइस आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज फरवरी मंथ के अंदर जो बोया पास रहेगा उसके अंदर एक इमोट देखने को मिल जाएगा और वो इमोट दिखने में काफी अच्छा है, काफी फनी टाइप का भी है। तो चलिए गाइस मैं आपसे को अपना फरवरी मंथ का बोया पास दिखाता हूँ और इसके अलावा मैं आपसे को मार्च मंथ का बोया पास भी दिखा देता हूँ। लेकिन गाइस उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज देखो आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर देना तो हमारे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको फरवरी मंथ का बोया पास दिखाता हूँ, फिर मैं आपको मार्च मंथ का बोया पास दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है फरवरी मंथ का बोया पास यानी सीजन 2 का बोया पास। ये बोया पास काफी ज्यादा अच्छा है, आप लोग भी देखना। और गाइस इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक कॉर्ड गन का स्किन है, तो ये गन का स्किन काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा लेजेंडरी है, बट इसको हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, कभी कतार मजबूर ऐसी मिल जाए तो इसे यूज ही करते हैं। और इसके अलावा गाइस मैं आप लोग को मेन मेन रिवार्ड दिखा देता हूँ, बैनर अवतार को जाने देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक पैरासूट का स्किन है और ये स्किन भी काफी अच्छा है। और इसके अलावा एक लंबर गिन की स्किन है तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये लेजेंडरी नहीं है। और इसके बाद बैनर अवतार को आप लोग देख ही सकते हो आ रहा है रास्ते में, तो दिखाई देता हूँ। और इसके बाद आप लोग ये लूट बॉक्स स्किन को देख सकते हो, उससे ये काफी अच्छा है। और ये बोया पास ना क्रोकोडाइल के थीम पे होने वाला है तो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ फ्री का अवतार है, कुछ बोया पास लेने के बाद अवतार मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये टी शर्ट हमसे बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो ये टी शर्ट भी काफी अच्छा है। और गाइस इसके अलावा आप लोग यहाँ पर फीमेल का बंडल देख सकते हो सीजन 2 का, और ये बंडल भी काफी सही है और इस बंडल में काफी अच्छा एनिमेशन भी है और ये क्रोकोडाइल के थीम पे है, मैंने आपको बताया। तो आप लोग फीमेल कैरेक्टर और फीमेल बंडल को यूज करते हो या फिर नहीं, आप लोग मेरे को कमेंट कर बताना। मेरी बात बोले तो मैं कभी कभार यूज कर लेता हूँ, आप लोग भी करते होंगे शायद, तो आप लोग कमेंट कर बता देना। और इसके अलावा गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये है ग्रीन का स्किन और ये स्किन काफी ज्यादा अच्छा है और काफी सही भी दिख रहा है। और उसके बाद आता है अपना सरबोर्ड का स्किन, तो ये भी स्किन काफी ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर भी भरपूर एनिमेशन दिया गया है तो ये भी काफी सही है। और इसके अलावा गाइस आप लोग यहाँ पर एक बैकपैक का स्किन को देख सकते हो, तो ये स्किन तो उतना ज्यादा खास नहीं है, जैसे भी ठीक ठाक ये चलेगा। और गाइस इसके अलावा आप लोग जैसे 100 लेवल कर देते हो ना तो आप लोग को बोया पास का सीजन 2 का बंडल देखने को मिल जाएगा मेल का, और ये बंडल काफी ज्यादा सही है। और आप लोग यहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स को देख सकते हो, सो काफी ज्यादा अच्छा है, लेजेंडरी भी है। और ये बंडल भी क्रोकोडाइल के थीम पे यानी गरीना फ्री फायर क्रोकोडाइल के साथ में क्लैप करने वाला है तो जो भी है काफी अच्छा है। और गाइस इसके अलावा आप लोग यहाँ पर क्रेट में देख सकते हो कुछ बंडल भी है, तो ये बंडल भी काफी ज्यादा अच्छा है और इसके साथ साथ कुछ एनिमेशन इफेक्ट जो भी है देखने को मिल जाएगा आप लोग को। और गाइस इसके अलावा आप लोग अगर सीजन 2 के बोया पास में 130 लेवल कर देते हो ना तो आप लोग को एक बैट का स्किन मिलेगा, सो आप लोग यहाँ पर एक बैट के स्किन को देख सकते हो, सो ये भी काफी ज्यादा लेजेंडरी है, काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके अलावा 140 लेवल करने के बाद इमोट है, तो आप लोग यहाँ पर इमोट को देख सकते हो, सो ये इमोट काफी ज्यादा सही है और ये बोया पास का फर्स्ट इमोट होने वाला है, तो ये इन फ्यूचर काफी ज्यादा रियर हो सकता है। इन फ्यूचर क्या, गेम का तो फ्यूचर नहीं है। तो जो भी है गाइस देखो इमोट तो काफी सही है, क्रोकोडाइल के थीम पे ही है। तो गाइस यहाँ पर होती है सीजन 2 के बोया पास के एंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीजन 3 बोया पास के बारे में यानी मार्च मंथ के बोया पास के बारे में। सो फर्स्ट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सो सीजन 3 बोया पास के अंदर में फर्स्ट में गन का स्किन देखने को मिला है और इस गन का नाम है M79, तो ये लॉन्चर गन का स्किन है, तो ये काफी ज्यादा लेजेंडरी और काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो एक सरबोर्ड का स्किन भी देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक मॉन्स्टर ट्रक का स्किन है, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का स्किन है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर बैनर अवतार को देख सकते हो, सो ये नॉर्मल रिवार्ड है। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सो ये सीजन 3 बोया पास का लूट बॉक्स का स्किन है, सो ये काफी अच्छा स्किन है और काफी ज्यादा लेजेंडरी भी है। साइड से देख रहे हो कान से इसका धुआं निकल रहा है और एनिमेशन भी काफी ज्यादा तगड़ा है। और गाइस इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अवतार सब देखने को मिल रहे हैं। और गाइस इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक फीमेल का बंडल है और ये है अपना बोया पास सीजन 3 का फीमेल का बंडल, और ये बंडल भी काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। और इस बंडल का टॉप मेरे को ज्यादा सही लगा, नहीं तो इसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं है। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक ग्रेनेड का स्किन देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा है, खतरनाक टाइप का ये। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक सरबोर्ड का स्किन देख सकते हो, सो काफी अच्छा सरबोर्ड का स्किन है, मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया, काफी ज्यादा लेजेंडरी भी है। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर बैकपैक का स्किन देख सकते हो, काफी ज्यादा खतरनाक बैकपैक का स्किन है, मेरे को ये स्किन काफी ज्यादा पसंद आया बिकॉज आप लोग
यहाँ पर देख सकते हो साइड में भी कुछ निकला है और दिखने में भी काफी ज्यादा सही है, तो पसंद तो आएगा, लेकिन पसंद आने से क्या फायदा, डायमंड तो इसके लिए चाहिए ना। बट कोई ना, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो ये है सीजन 3 बोया पास का मेल का बंडल, और ये बंडल ना काफी ज्यादा खतरनाक है। बिकॉज़ आप लोग इसका एनिमेशन को देख सकते हो, सो नेक्स्ट लेवल का एनिमेशन है, और इसके सारे के सारे पार्ट्स मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। और इसके अलावा क्रेट के अंदर भी बंडल देखने को मिल जाएगा, और ये बंडल भी काफी ज्यादा सही है। और इसके अलावा आप लोग अगर बोया पास के अंदर में 130 लेवल कर दे तो ना, तो आप लोग को एक स्काइट का स्क्रीन मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर एक स्काइट का स्क्रीन देख सकते हो, काफी ज्यादा लेजेंडरी है, और ये आप लोग को मिलेगा 130 लेवल करने के बाद बोया पास के अंदर में। फिर उसके बाद 140 लेवल करने के बाद एक ग्लूअल का स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ पर ग्लूअल का स्क्रीन देख सकते हो, तो काफी ज्यादा अच्छा ग्लूअल का स्क्रीन है। और इसके अलावा गाइस आप लोग अगर 150 लेवल कर दे तो ना, तो आप लोग को यहाँ पर एक गन का स्क्रीन मिल जाएगा, वो भी परमानेंट। तो ये काफी अच्छी बात है, काफी अच्छा गन का स्क्रीन भी है। लेकिन गाइस मैं बताना भूल गया, सीजन 2 बोया पास के अंदर में 150 लेवल करने के बाद कॉर्ड गन का स्क्रीन परमानेंट मिल जाएगा। तो बस गाइस यही सब था अपना सीजन 2 सीजन 3 बोया पास, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। और इसके अलावा गाइस आप लोग मेरे को कमेंट कर बताना कि आप लोग को कौन सा बोया पास पसंद आया, जैसे कि अभी हमारे गेम के अंदर आया है सीजन 1 का बोया पास, और सीजन 2 का आने वाला है, और सीजन 3 का भी आने वाला है। तो ये तीनों का बोया पास आप लोग ने देख लिया, तो ये तीनों का आप लोग कमेंट कर बता देना कौन सा बोया पास आप लोग को पसंद आया है। तो देखते हैं किस बंदे को कौन सा बोया पास ज्यादा पसंद आता है। तो ठीक है गाइस, यही सब था आज के वीडियो के अंदर में, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। लेकिन गाइस आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ओके। और गाइस इसके अलावा मैं मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट और न्यू वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।